नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार नगर निकाय दूसरे चरण के जो परिणाम हैं अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान भी सामने आ रहे हैं। हम भी आपको लगातार सभी नगर निगम का हाल बता रहे हैं। अभी जो मेरे पास अपडेट आया है वो मुजफ्फरपुर का अपडेट सामने आया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जो मेयर पद के लिए नाम आगे चल रहा है वो नाम है राकेश कुमार पिंटू का। राकेश कुमार पिंटू जो है 2725 मतों से अभी तक जो है आगे चल रहे हैं। राकेश कुमार पिंटू को जहां 4335 मत मिला है, वहीं निर्मला साहू को 1610 वोट मिला है और सुरेश कुमार तीसरे नंबर पर हैं, इन्हें 982 मत मिला हुआ है। राकेश कुमार सिंह जिनका कबूतर छाप था, इनके पीछे एमएलए विजेंद्र चौधरी का हाथ था, मतलब सर पर हाथ था, कांग्रेस के विधायक हैं विजेंद्र चौधरी। तो वहीं निर्मला साहू के पीछे सुरेश शर्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार के और बीजेपी के नेता हैं, उनका हाथ था। तो ऐसे में भी देखा जाए तो विजेंद्र चौधरी का जो उम्मीदवार है वो मुजफ्फरपुर से आगे चल रहा है। राकेश कुमार पिंटू जो हैं 2725 मतों से आगे हैं। हालांकि ये जो फासला है अधिक फासला नहीं है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, वोटों की गिनती शुरू हुई है। तो ये धीरे धीरे करके ये जो फासला है वो घटता रहेगा, बढ़ते रहेगा। कौन आगे होता है कौन पीछे होता है इसके लिए आपको लगातार जो है नज़र बनाकर रखना होगा। वहीं अगर बात करें उपमेयर के पद के लिए तो उपमेयर के पद पर डॉक्टर मोनालिसा जो हैं वो आगे चल रही हैं। बीजेपी के सुरेश शर्मा ने इन्हें अपना समर्थन दिया था। वहीं सबीर अहमद जो हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि मतगणना केंद्र पर जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया गया है, खुद डीएम जो है वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस बल को भारी संख्या में तैनात किया गया है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ मतगणना केंद्र पर पहुँचे हुए हैं। वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और जो अब रुझान हैं वो मुजफ्फरपुर के सामने आने लगे हैं। अगर इसके अलावा अगर पटना की बात करें तो पटना में सीता साहू जो हैं अभी आगे चल रही हैं मेयर पद के लिए। वहीं अगर बात करें तो सासाराम की, तो सासाराम से काजल कुमारी फिर से आगे हो गई हैं, 400 वोट से आगे चल रही हैं ये आपके मेयर पद के लिए। और इसके अलावा अगर कटिहार की बात करें तो कटिहार से उषा देवी अग्रवाल जो है मेयर पद से आगे चल रही हैं। मुजफ्फरपुर से तो राकेश कुमार पिंटू आगे चल ही रहे हैं। भागलपुर से डॉक्टर वसुंधरा लाल जो हैं वो आगे चल रही हैं। गया से गणेश पासवान आगे चल रहे हैं। सासाराम से काजल कुमारी आगे हैं। बिहार शरीफ से अनिता देवी आगे हैं और आरा से इंदु देवी जो है आगे चल रही हैं। मोतिहारी से प्रीति गुप्ता जो हैं वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा बेतिया से गरिमा देवी सिकारिया जो हैं वो आगे चल रही हैं। सीतामढ़ी से विशाल कुमार आगे हैं। दरभंगा से अंजुम आरा जो हैं वो आगे चल रही हैं। इसके अलावा समस्तीपुर से किरण कुमारी आगे हैं और पूर्णिया से विभा कुमारी जो हैं वो आगे चल रही हैं। मुंगेर से कुमकुम देवी और बेगूसराय से पिंकी देवी जो हैं वो आगे चल रही हैं। तो बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें क्योंकि बिहार इन शॉर्ट्स आपको नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार अपडेट दे रहा है कि रिजल्ट के जो रुझान है वो बता रहा है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।